नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं E24 News24। चार लोग क्या कहेंगे। कई बार हमारे देश में फैसले सिर्फ इस डर से लिए जाते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन कई बार अपने लिए भी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेरे साथ इस वक्त लकीरें फिल्म की कास्ट है, जो ऐसे ही बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को सल्यूट है कि इस तरह की फिल्म पे आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग वोकल ही नहीं होना चाहते हैं। सर, टॉपिक कहाँ से आया और ये आपने उठाने की आवाज़ कैसे सोची? ये टॉपिक भी मुझे इसी तरह से मीडिया और समाज से मिला कि इस पर हमें काम करना चाहिए। और इसके लेखक बहुत ही एमिनेंट राइटर हैं, दिलीप शुक्ला जी, उन्होंने इसको लिखा और फिर आपके सामने ये इतना स्ट्रांग क्रू बैठा हुआ है जिसमें बहुत ही अच्छे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, आशुतोष राणा जी, गौरव जी, बित्ता जी, टिया जी, तो इन लोगों की वजह से ये फिल्म हम ला पाए। आशुतोष सर, नो मीन्स नो होता है, लेकिन शादी के बाद ना कहना और फिर उसके लिए कोर्ट तक लड़ना, ये मुश्किल है और क्यों मुश्किल है और इसे लड़ना क्यों पड़ता है? देखिए, जैसे दुर्गेश ने एक बात कही, उन्होंने कहा आधी आबादी, ये विषय आधी आबादी का नहीं पूरी आबादी का है, क्योंकि स्त्री और पुरुष ये एक दूसरे पे परस्पर निर्भर है। स्त्री के ही गर्भ से कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, और जो निर्माता भी है, निर्मिति भी है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं। तो तात्पर्य, और चूंकि हमारे पास एक फंडा ये आता है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कभी कभी रिश्तों में, तो हम और हमारी एक वो चीज़ चलती रहती है, एक सूत्र दिया जाता है कि अगर इनकार करे तो उसमें भी एक इकरार जैसी चीज़ होती है। तो हम कहीं ना कहीं जो सदियों से, वर्षों से हमारे अंदर ये जो थॉट पिरोए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, उन विचारों के कारण हम उस ना को सुनना हम नहीं पसंद करते हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं हम एक इकरार की ही ध्वनि को अपनी मर्जी के मुताबिक हम ये मान के चल रहे होते हैं। तो ये जो पूरा विषय है लकीरों का, वो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर है कि क्या कोई पति और पत्नी के बीच का रिश्ता बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है। तो अब बलात्कार मतलब बलपूर्वक किसी के ऊपर किया गया अत्याचार। तो बलपूर्वक यानी इसमें आपकी इच्छा नहीं है, किसी भी एक पक्ष की इच्छा नहीं है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई अपनी इच्छा को बलपूर्वक यदि सामने वाले के ऊपर रोपित करता है, तो आप उस बात को कहीं ना कहीं बलात्कार की श्रेणी में हम और आप रखते हैं। तो ये जो फिल्म है लकीरें हमारी, ये उस विषय के ऊपर आधारित है, और जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच के जो परस्पर संबंध होते हैं कि हमसे और आपसे, सबसे ये कहा जाता है, क्योंकि दोनों की बनक अलग है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर पुरुष के पास दृष्टि है तो स्त्री के पास अंतर्दृष्टि है, तो दृष्टि वाला कभी कभी अंतर्दृष्टि को नहीं समझ पाता, और अंतर्दृष्टि वाला कभी कभी दृष्टि वाले को नहीं समझ पाता। अगर एक कैलकुलेशन ओरिएंटेड है तो दूसरा इंट्यूशन ओरिएंटेड है। एक अगर लूट लेना चाहता है तो दूसरे की प्रकृति लुटा देने में विश्वास रखती है। तो ये जो एक दूसरे की जो खूबियां हैं, कभी कभी जब हम आप किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तो हम इन खूबियों को खामियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर ये एक घटना घटित होती है जिसको लकीरों के तौर पर दुर्गेश ने और हम सब अभिनेताओं के माध्यम से भिन्न भिन्न किरदारों को, तो ये जो किरदार है, ये किरदार नहीं है अकेले, ये किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, ये मानसिकताओं की कहानी है। तो जब मानसिकताओं को आप और हम लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजी वर्सेस मेंटालिटी की बात है, और अक्सर हम अपनी मेंटालिटी को, क्योंकि मानसिकताएं जो होती हैं उनको सभ्य समाज में उतना रुतबा हासिल नहीं होता जितना विचारधारा को, आइडियोलॉजी को होता है। तो कभी कभी हम अपनी मानसिकताओं को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और फिर एक किस्म के हम डिबेट को या एक चर्चा को कहीं ना कहीं हम आमंत्रित करते हैं। तो ये जो फिल्म है वो अत्यंत संवेदनशील फिल्म है कि कहीं एक दूसरे को, जो घर के एक पायदान होते हैं, जैसे जब भी कभी आप कोई इमारत बनाते हैं तो इमारत की भी स्थापना के लिए दो खंभे अगर खड़े हुए हैं तो दो खंभों का दूर दूर एक निश्चित दूरी पर रहना परम आवश्यक होता है। अगर वे दोनों खंभे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो इमारत की जो छत है वो रह नहीं पाएगी। नदी के जो दो पार्ट हैं, यदि बीच में बहने वाला दरिया खत्म हो जाए, तो अगर वो एक हो गए तो इसका मतलब है कि जो बीच में बहने वाला जो दरिया था वो समाप्त हो गया है।
तो तात्पर्य इसमें है कि एक निश्चित अनुपातिक दूरी, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो और चाहे वो शारीरिक रूप से हो, ये एक व्यवस्थित जीवन के लिए परम आवश्यक होती है कि दूर रहते हुए भी आपके अंदर सामीप्य का भाव रहे, समीपता का भाव रहे और समीप रहते हुए भी आप एक दूसरे की निजता का सम्मान करते रह सकें। तो हमारी फिल्म लकीरें उस विषय के ऊपर है। अच्छा विदिता मैम, एक फीमेल होने के नाते इक्वालिटी और इनइक्वालिटी इस समाज में कितना आप पर्सनली फील करती हैं? अपने लिए क्या सही है, दूसरे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये थोड़ा जजमेंट कई लोगों का ना थोड़ा बिगड़ा हुआ है ना, या डरते हैं जैसे लोग क्या कहेंगे, इस बात से भी डर है। और महिलाओं में स्पेशली है कि वो सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, हाँ हमेशा महान बनने की एक कोशिश रहती है। पुरुषों में क्या है, एक्सेस लोड लेने की आदत है ना, और बाहर जो दुनिया भर की लोड लेते हैं वो अनलोडिंग कहाँ करते हैं, अपने ही घर में अपने ही जो बीवी है उनके सामने वो करते हैं, पर कई बार वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं बाहर के दुनिया में, अच्छा बनते बनते घर वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा क्लैरिटी दिलवाने के लिए ही ये फिल्म दुर्गेश जी ने लिखी है, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। और यहाँ बात इन इक्वालिटी ये सब से आगे बढ़ के थोड़ा एक बैलेंस कहीं बनाया जा सके, क्योंकि ये दोनों ही रहेगा, ये दो एक्सट्रीम है ना, बीच में कहीं आके एक बैलेंस क्रिएट करने की जो ये जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनना ही बड़ी बात है। गौरव सर, ये जानना चाहूँगी, जब व्यक्तिगत तौर पर आप इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं, इस तरह के सामाजिक मुद्दों का हिस्सा बनते हैं, वोकल होते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, वो थॉट प्रोसेस क्या था जब इसकी कास्टिंग के दौरान आपको ये फिल्म मिली या क्या था? देखिए ये फिल्म, जैसे सर ने कहा, ये फिल्म दिलीप शुक्ला साहब ने लिखी है और उन्होंने मुझे एक नरेशन के लिए बुलाया था, और जब उन्होंने मुझे पहले कुछ सीन सुनाए मेरे किरदार के, तो इतना जूस था उन डायलॉग्स में कि मुझे वो पहले 10-15-20 मिनट में ही किरदार के अलग अलग शेड सीधा दिख गए। तो ये तो इंस्टेंटली समझ में आ गया कि ये एक थोड़ा सा मुश्किल कैरेक्टर है टू प्ले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, उसके अलग अलग पहलू हैं और वो अलग अलग पहलू दिखाने भी पड़ेंगे, यही उसका मज़ा है जी। पर मुद्दा कुछ इतना सेंसिटिव था कि मैं इस चीज़ से इम्प्रेस होने के बाद भी मैं थोड़ा सा इंतज़ार किया मैंने 2-4 दिनों का, और मैंने कहा कि मैं सोच के आपको बताऊँगा। एट सम लेवल मैं ये समझना चाह रहा था या आंकना चाह रहा था कि क्या हम सचमुच एक सिंसियर ऑनेस्ट बात कहना चाह रहे हैं या हम इस मुद्दे के ज़रिए एक कमर्शियल वेंचर कर रहे हैं। दोनों ही ठीक हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत है। सिनेमा सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं हो सकता। मेरे साथ आशुतोष सर हैं तो मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। सर कुछ आपके मुंह से जरूर सुनना चाहूंगी, वैसे भी बहुत मजा आ रहा था। हमारी जो फिल्म है उसको 2 लाइन में व्याख्यित करने वाला हूँ। इन्होंने तो जो इनका किरदार है उसके मुताबिक बात सुना दी जी। लेकिन अब काव्या क्या जवाब देती है वो मैं आपको, जो इनकी पत्नी का रोल कर रही है वो क्या जवाब देती, तो कहती कि कोई सुने ना सुने ये और बात है। क्या बात है? कोई सुने ना सुने ये और बात है, वरना सन्नाटे भी आवाज किया करता है। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।